गूगल ने कुछ भारतीय ऐप्स पर एक बड़ा एक्शन लिया है। गूगल ने इन 10 ऐप्स को अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है और इस लिस्ट में कई जाने माने ऐप्स के नाम भी शुमार हैं। इसमें शादी.com, नौकरी.com, 99acres जैसे नाम शामिल हैं। बीते साल कंपनी ने कुछ ऐप डेवलपर्स को चेतावनी का नोटिस भी जारी किया था। दरअसल कुछ ऐप्स गूगल की बिलिंग पॉलिसीज पर फेल नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें चेतावनी भी दी गई थी और अब आखिरकार गूगल ने इन 10 ऐप्स पर एक्शन लेते हुए इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर देने का फैसला ले लिया है। हालांकि अभी तक गूगल ने सभी डिस्प्यूटेड ऐप्स के लिस्ट को पूरी तरीके से जारी नहीं किया है। वहीं गूगल की तरफ से कुछ ऐसे ऐप्स पर एक्शन भी लिया गया है जिनके नाम की जानकारी सामने आ रही है। बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नाम कुकू FM, भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99acres, ट्रूली मैडली, क्वैक क्वैक, स्टेज, ऑल्ज बालाजी और अन्य दो ऐप्स के नाम इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला सर्विस फीस पेमेंट ना देने का है और इसी वजह से टेक जगत के दिग्गज प्लेटफॉर्म ने इन ऐप्स को रिमूव कर देने का फैसला लिया है। दरअसल कई स्टार्टअप चाहते थे कि गूगल की तरफ से चार्ज ना लगाया जाए और फिर उन्हें ये पेमेंट ना देनी पड़े। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, गूगल को इसमें हरी झंडी भी मिल गई और ऐप्स को कोई राहत नहीं मिली और इसके बाद स्टार्टअप को फीस का भुगतान करने के लिए भी कहा गया या फिर उन्हें ऐप्स को हटाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही कुकू FM के CEO लालचंद विशु ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके गूगल की आलोचना की है और उसके फैसले को गलत ठहराया है। वही नौकरी.com और 99acres के फाउंडर संजीव विक्रमदानी ने भी पोस्ट करके गूगल के प्रति नाराजगी जाहिर की है। हालांकि अब इन ऐप्स के प्ले स्टोर पर कब तक वापसी होगी इसके बारे में कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है।